नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोयाबीन की जबरदस्त रेसिपी। सोयाबीन की ये रेसिपी इतनी टेस्टी होती है, इसे खाने से पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। सोयाबीन की इस रेसिपी को आपका जब मन करे आप बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक की फेवरेट बन जाएगी, तो इसे एक बार तो बनाना बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेंगे एक पैन, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन। गैस को हमने कर देना है मीडियम और इस बेसन को अच्छे से भूनना है, जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। लेकिन तेज गैस पे नहीं भूनना, हमने मीडियम गैस पे भूनना है। इसे भूनने में हमारे 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने भून लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक साइड में रख कर ठंडा कर लेंगे। मैंने लिए 3 आलू, ये मैंने छोटे साइज के आलू थे, मैंने 3 लिए हैं और इनको मैंने उबाल लिया था। अगर आपके पास बड़े साइज के आलू हो ना, तो आप 2 भी ले सकते हैं। पहले तो इन्हें छील लें। छीलने के बाद हमने क्या करना है, इन आलुओं को कद्दूकस करना है। आप मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इन आलू में गुठली ना रहे इसलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए, मैंने आलुओं को तो कद्दूकस कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे जो आलू है ना उसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। मैंने ली थी सोयाबीन, ये ग्राम के हिसाब से 50 ग्राम मैंने सोयाबीन ली थी। उसको मैंने ना गर्म पानी में ना 10 मिनट के लिए ढककर भिगो कर रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 5 मिनट के लिए उबाल भी सकते हैं। मैंने इसे निचोड़ भी लिया है। अब मैं लूंगी एक मिक्सी का जार, उसमें सोयाबीन को डालूंगी। इसकी जगह पर आप सोयाबीन का चूरा भी ले सकते हैं। तो अब इसको पीस लें। देखिए, हमने इसको पीस लिया है, ये इस टाइप से हो जाएगा दरदरा सा। अब जो हमने आलू उबाले थे ना, उसमें सोयाबीन को डाल देना है। सोयाबीन डालने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्ची, ये पिसी हुई काली मिर्ची है, मैं वो डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, मैंने कम तीखी वाली लाल मिर्ची का यूज किया है। मैंने ली थी 1 हरी मिर्ची, जिसको कूट लिया था वो डाल रही हूँ। हरी मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची ध्यान से डालें। मैंने वैसे भी ना कम तीखी वाली हरी मिर्ची का यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला डालते समय आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि उसमें भी नमक होता है, नमक भी ध्यान से डालें। अब जो हमने बेसन भुना था ना, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह पर चावल का आटा डाल सकते हैं, अरारोट डाल सकते हैं, इससे ना बहुत कुरकुरापन आता है इसमें। अब डालेंगे नमक, इससे पहले मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मैंने आधा नींबू भी डाला है इसमें, नींबू का रस निकाल लिया था आधा, मैंने वो डाला है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो नींबू की जगह पर ना अमचूर भी डाल सकते हैं। अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसके डो के रूप में तैयार कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हम। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं इसे टिक्की की शेप दे रही हूँ। देखिए, हल्का सा गोल करने के बाद मैं इसे प्रेस कर दूंगी और हाथों पे ऐसे करते हुए ना इसे सेट करके एक अच्छी सी शेप दे देंगे। अगर ज़्यादा चिपके, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छी से शेप तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमने सारी टिक्कियों को ना बनाकर पहले तैयार कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे इतनी डो में इतनी सारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। मैंने एक पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया था। जब ऑयल तेज गर्म हो जाएगा, पहले मैं एक टिक्की डाल के देखती हूँ कि ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। हाँ, ऑयल गर्म हो चुका है। थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हमने टिक्कियों को डालना है। हमारे पास टिक्कियाँ जो सी है ना थोड़ी ज़्यादा हैं, ये 2 बारी में फ्राई होंगी। जितनी आराम से 1 बारी में आ जाएंगी, मैं उतनी टिक्कियाँ इसमें डाल दूंगी। गैस को हमने मीडियम रखना है।
इसको अलटते पलटते हुए हमने अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। ये इसको हमने पलट दिया है, एक साइड से ये हो गई है, आप देख पा रहे होंगे कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हमने इसी ढंग से फ्राई करना है। इसे करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे करने में हमारे 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखिए ये हो गई है, मैंने गैस को स्लो कर ना इसे छन्नी में निकाल लिया है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल खुश्क उतरी है, बिल्कुल ऑयल नहीं भरा। ऐसे बची हुई को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे सोयाबीन आलू के चटपटा स्नैक्स बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जो बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।